देश भर में छठ पूजा की धूम मची हुई है। जी हाँ, छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो चुकी है। कोरोना काल में सभी लोगों से घर में रहकर छठ पूजा करने की अपील की जा रही है। जी हाँ, छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए होता है, इसके अगले दिन खरना होता है जिसे लोहंडा भी कहा जाता है। जी हाँ, छठ पूजा पर खरना का विशेष महत्व होता है। जी हाँ, खरना का मतलब शुद्धिकरण है। खरना के दिन विशेष प्रसाद बनाया जाता है। खरना के दिन व्रती दिन भर व्रत रखते हैं और रात में प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर खरना क्या होता है और इसके पीछे का क्या महत्व है। नहाए खाए के अगले दिन खरना किया जाता है। इस साल खरना 19 नवंबर को है, यानी कि आज है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग खरना के दिन व्रत रखते हैं, बाद में रात को खीर खाते हैं। इसके बाद सूर्य को अर्घ देने से पारण करने तक कुछ खाते पीते नहीं है। खरना एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के अगले 36 घंटे का कठिन व्रत रखा जाता है। जी हाँ, खरना के दिन प्रसाद के रूप में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इसके अलावा पूड़िया, ठेकुआ, खजूर बनाया जाता है। पूजा के लिए मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। खरना के दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत की शुरुआत होती है। खरना के दिन से छठ पूजा समाप्त होने तक व्रत करने वाले लोग चादर बिछाकर ही सोते हैं। जी हाँ, तो नहाए खाए और खरना का क्या महत्व है छठ पूजा में, ये आप सबको अब पता चल गया होगा। जी हाँ, तो आप भी इस कोरोना काल में छठ पूजा को धूमधाम से मनाएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी से सुरभि की रिपोर्ट।